मुंबई में हरियाणा पैसेंजर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान किरण सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर पेंशनर ने विरोध जताया और जल्द ही मांगों को पूरा करने की मांग की। लंबे समय से लंबित मांगों को नहीं मानने से पेंशनर्स में रोष पनपता जा रहा था। प्रधान किरण सिंह ने कहा कि बैठक में पेंशनरों की समस्याओं को लेकर चर्चा करते हैं और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। हमारी मांगे ये है जी कि भाई जो हमारे जब रिटायर होता है ना आदमी, उस समय जो मूल वेतन है उसके ऊपर ही मर जाता है आखिर तक। और हमारी सभी की डिमांड है कि भी हमारी 65 साल के बाद 10% और 65-70 के बाद हमारी कर दे 15% ना 10% 5, 10 और 15 70 साल तक जो 75 साल तक 15% तक हमारी डिमांड है, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। अभी पीछे हमारा एजिटेशन जो है जब शुरू हो रहा था तो हमारी मांगों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ बुलाया था और उसमें हमारी स्टेट कार्यकारिणी गई थी, तो वहाँ यही फैसला हुआ कि भाई हम 65 रुपये तो देते नहीं और ना हम देवें आपको 70 रुपये, हम आपको 75 रुपये दे देंगे। तो हमारी जो कार्यकारिणी मीटिंग जो कहेंगे 75 रुपये क्यों दी, क्या भाई उस टाइम जो है ना पेंशनर जो है ना थोड़े रह जाए, तो बड़ी शर्म की बात आई। लोगों ने साफ कहा पेंशनर भाई हमारी जो कार्यकारिणी मीटिंग थी कि नहीं हम ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आप तो हमारे को मारना चाहते हैं, तो सरकार से वो वादा खिलाफ ही होगी और हमारी जो यूनियन है वो वापस ले आई थी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि भी हमारा जो पारिवारिक पेंशनर है जो जिसका आदमी मर जाता है या औरत मर जाती है उसके बाद पारिवारिक पेंशन जब लागू होती है तो उसके ऊपर सरकार जो है ना LTC देती, LTC देनी चाहिए क्योंकि एक समान है, जब नर नारी और एक समान कर रहा है तो उसके साथ क्यों धोखा हो रहा है, तो चाहे वो आदमी है चाहे औरत है उसको भी पारिवारिक पेंशन समझ करके LTC प्रदान करनी चाहिए। और तीसरी डिमांड ये थी कि भी जो हमारा ये कैशलेस जो है मेडिकल वो जो है जारी करना चाहिए, कई बार लागू हो चुका है, कई बार सरकार ने आदेश कर दिए लेकिन फिर भी वो अमेंडमेंट नहीं हो रहा, सरकार उसके ऊपर जारी नहीं कर रही, समझ नहीं आ रहा अभी क्या कहाँ इसमें दोष है क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा। सरकार जो है ना गुमराह कर रही है कर्मचारी को भी पेंशनर को भी, कैशलेस जो है ना मेडिकल लागू की जाए, ये अगर ये नहीं करते हैं, कई बार हमारे हर बार जब हमारी मीटिंग होती है करनाल में चले जाओ इंद्री चले जाओ जहाँ ब्लॉक मीटिंग होती है पेंशनर की, जहाँ मीटिंग होती है उसमें हम ये साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भी हमारी डिमांड मान ली जाए, लेकिन सरकार मान नहीं रही। अब इसमें सारे पेंशनर भाइयों का हमारा रोष है और अगली बार तो हमारी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी सारी स्टेट की जो मीटिंग हमारे यूनियन है वो लगभग 13-14 है और फरवरी में वो एक मंच पर पे हरियाणा पेंशनर संघ के नाम से शायद एक इकट्ठा मंच बने और उसमें हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि भाई हमारी मांग मांग ली जाए, यदि नहीं मांगती तो आने वाले समय में 2024 के अंदर इसका परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। मेडिकल भत्ता है जो 1000 रुपये है वो हमें 3000 की डिमांड करी मांगी है और सरकार से अनुरोध है कि वो भी 3000 रुपये दे, अन्यथा सरकार के साथ हमारी फरवरी में जो भी मीटिंग होगी जो भी उसमें मंच बनेगा उसके हिसाब से हम अपनी डिमांड रखेंगे, अगर नहीं मानती है सरकार से हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर दी थी और जो भी नया भर्ती होता है उसको उन्होंने दूसरे उस पर रखा है जो कि ठीक नहीं है। हमारी जो पुरानी पेंशनर जो है वो लागू होनी चाहिए क्योंकि आप सभी को विदित है, हमारे सारे भाई पेंशनर खड़े हैं यहाँ से, सभी को हर महीने पेंशन मिलती है और जो पुरानी पेंशन अब जो इन्होंने बंद की हुई है, जब भी कोई हमारा बच्चा रिटायर होगा अब तो उसको बहुत लॉस होगा क्योंकि उसको एक बार कट्ठी मिल जाएगी, उसके बाद उसने कट्ठी में अपने पता भी कुछ ना कुछ वो खर्च कर बैठेगा, उसके बाद उसके हाथ पल्ला कुछ होना नहीं। तो वो यही है कि भी हम सभी कहते हैं इसके बारे में पुरानी पेंशन लागू हो ताकि उनका हर महीने कुछ ना कुछ मिलता रहे और उनका गुजारा चलता रहे। एक साथ मिलने से तो ये बहुत नीति जो है ना गलत है सरकार जी। जब से ये 2006 के बाद भर्ती हुई है तो पुरानी पेंशन सरकार ने खत्म कर दी और नई पेंशन जो है वो लोगों की समझ में नहीं आ रही भैया कि एक साथ पैसा देकर जो है इनका इन्हें बूढ़ों ने पटवा लेंगे क्या, बस इसे पिटने वाला काम है इनका तो, और उसके बाद भूखा मरने वाला काम है। और रही बात हर महीने जो है अगर पेंशन मिलेगी तो पेंशनर और पेंशनर की घरवाली का जो है अच्छी तरह से गुजारा हो सकेगा और वो जो है अपना खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे। और कैशलेस जो है
वो जरूरी होना चाहिए, क्योंकि बीमार तो बूढ़े होंगे ही, पेंशन तो बीमार होंगे ही होंगे, और उनको जो है कैशलेस की सुविधा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बिल बनाएंगे, बिल कहीं जाएगा सरकार के पास, कहीं कहीं महीने या कहीं कहीं साल लग जाते हैं बिल को पास होने में, और जो हर महीने जो पेंशन के साथ जो हमें मेडिकल भत्ता मिलता है वो 1000 रुपया है, 1000 रुपया आज के जमाने में कुछ नहीं है, तो इसको बढ़ाकर जो है कम से कम 4000 रुपये महीना किया जाए, ताकि बूढ़ा और बूढ़ी जो है दोनों अपना गुजारा मेडिकल भत्ते से गुजारा जो है दवाई खरीद सके।